हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्थ यमी फ्रेश में। आज मैं लेके आई हूँ आलू पराठा की बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत टेस्टी, जो कि स्पेशल बच्चों के लिए है। इसके लिए मैंने आलू लिया है और ये थोड़ा से मसाले हैं। अभी मैं गैस ऑन कर दी हूँ। गैस ऑन करके हम अपना पैन चढ़ा देंगे। पैन थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे तेल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकती हैं। मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे 2 चम्मच के हिसाब से। और मैं इसमें डालूँगी ये अजवाइन। अजवाइन मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी ताकि अच्छा हेल्दी रहता है अजवाइन से। थोड़ा सा अजवाइन डाल के इसको थोड़ा भूनने दूँगी। थोड़ा अच्छे से जब ये भुन जाए फिर मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो थोड़ा कम ही हरा मिर्च डालें क्योंकि तीखा बच्चे पसंद नहीं करते हैं। हरी मिर्च डाल के मैं इसे थोड़ा भूनूंगी। थोड़ा ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, थोड़ा ही भूनना है। जब थोड़ा सा भून जाए फिर हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन का पेस्ट। लहसुन को मैंने कूट लिया था, उसको अच्छे से कूट के और फिर मैं उसमें डालूँगी। उसको पीसा नहीं है मैंने, इसको थोड़ा सा कूट लिया है। इसको भी डाल के थोड़ा भूनेंगे, वो ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। अभी ना जैसे बच्चों के लिए ना हमें ज़्यादा मसाले वाले चीज़ उन्हें नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उन्हें स्कूल जाके बैठना पड़ता है बहुत देर तक, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। अगर आप उन्हें कम मसाले वाले हेल्दी खाना खिलाएं तो बहुत ही अच्छा होता है और ये स्वाद में भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें कोई ज़्यादा मसाला भी नहीं है। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे हम और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। जितना आलू है उस हिसाब से आप नमक डालिए। इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे हम ताकि हमारे हल्दी का कच्चापन थोड़ा चला जाए। थोड़ा चला चला के भूनेंगे। हमें ना खाने को थोड़ा कम आंच करके, जैसे फ्लेम कम करके और उसको ना भूनना चाहिए अच्छे से ताकि हमारे स्वाद, खाने का ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर हम हाई फ्लेम पे खाना बनाते हैं ना तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है जितना हम लो फ्लेम पे खाना बनाते हैं। मीडियम फ्लेम पे उसका अच्छा स्वाद आता है। मैंने कस्तूरी मेथी और ये हरा धनिया डाल दिया है। इसको भी थोड़ा सा भुनेंगे जब तक इसका कच्चापन चला जाए बस। और फिर हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को डाल के उसको भून के आलू डालते हैं ना तो उसका स्वाद अलग ही आता है। और कच्चे आलू में हम मसाले डाल के बनाते हैं ना, ऐसे उबले हुए आलू में उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। जैसे मैं बना रही हूँ ना, आप एक बार ऐसे बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। इसको मैं थोड़ा मसल मसल के अच्छे से भून लूँगी। हमारा आलू भुन गया है लगभग। मैं इसे निकाल ली हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी अचार का मसाला। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ये अचार का मसाला था तो मैं ये डाल रही हूँ। इससे और अच्छा स्वाद आता है। बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे ताकि थोड़ा चटपटा हो जाएगी। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी मैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर भी आया है हमारे मसाले का, आलू का। ये हो गया है। आटा को मैंने पहले से ही गूंथ के रख लिया था ताकि हमारे आटा थोड़ा सेट हो जाए। जब भी आपको रोटी बनाना हो, पराठा बनाना हो, कुछ भी बनाना हो ना, तो आटा को
कम से कम आधे घंटे पहले 10 मिनट पहले तो रख ही दे गूँथ के, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट पहले गूँथ के रखेंगे ना और उसका रोटी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। और तुरंत ही आप आटा गूँथे और रोटी बनाए तो उतना अच्छा, तब थोड़ा अलग ही लगता है रोटी। इसको मैं गोल गोल करके रख लूँगी ताकि हम अपने जब लोई में भरेंगे ना इसको रोटी पराठे में, तो पूरे चारों तरफ फैल जाएगा बहुत ही। और आसान भी रहता है वैसे बनाना। मैंने तवा चढ़ा लिया है, तो मैं इसे गोल गोल करके इसको कटोरे जैसा बना लूँगी। इसमें मैं डालूँगी चीज़, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। और आलू पराठा जैसे हेल्दी भी है और चीज़ भी डालेंगे बच्चों को, इससे एनर्जी भी मिलेगा और उनको टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत मन से खाएंगे आपके बच्चे। मेरे बच्चे तो बहुत ही अच्छे से खाते हैं इसे, वो तो खुश हो जाते हैं चीज वाला आलू पराठा देख के। आप भी अपने बच्चों को बना के खिलाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जब भी हम कुछ बना के खिलाते हैं अपने बच्चों को और खुश हो के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और उन्हें तो अलग अलग चीज़ें बना के खिलाना ही चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं और बाहर का खाना खाने के लिए खोजते हैं। आप उन्हें घर पे अलग अलग चीज़ें बना के खिलाएं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और बाहर के खाना खाने का जिद नहीं करते वो। मैं फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया है मैंने। अच्छे से पकाएंगे, जब तक हमारा ये पराठा बन रहा है तब तक मैं दूसरे पराठा भी तैयार कर लेती हूँ। मैंने चीज रख दिया है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं बनाऊँ आसान सी रेसिपी आपको मिले और आप उसे घर पे ट्राई करें। और अगर और भी अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। आप भी इसे ट्राई करिए और बना के बताइए कि आपको कैसा लगा। इसमें मैं घी लगा रही हूँ, जो भी हमारा चीज़ था वो पूरा फैल गया होगा हमारी रोटी में। पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको जहाँ पे थोड़ा सा टूट गया, ये हो गया था, फूट गया था रोटी, उसको वहाँ पे मैंने दाब के फुला लिया है। अभी मैं आप दूसरा ये वाला पराठा मैं तैयार कर लेती हूँ। मेरा पराठा थोड़ा सा टूट गया, मैंने बेलना से ज़्यादा उसको बेल दिया था इसलिए। कितना अच्छा पराठा बना है हमारा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे तोड़ के। आपके पास अगर ग्रेट किया हुआ चीज़ हो ना तो आप वही डालें, उसके डाले से ना हमारा पराठा टूटता नहीं है बेलने टाइम में, बहुत अच्छा बनता है। मेरे पास अभी यही था तो मैंने यही डाला है। ये देखिए कितना अच्छा चीज़ पूरा ये हो गया है और बहुत ही अच्छा बना है। बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत खुश होकर खाते हैं। अभी मैं उन्हें खिलाऊंगी और दिखाऊंगी आपको कि कितना अच्छे से वो खाएंगे खुश होके। और ये देखिए कितना, बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है। देखिए कितना क्रीमी क्रीमी बना है, बहुत अच्छा सा, बहुत स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं अपने बेटे को दूंगी, उसको खिला के बताऊंगी कैसा बहुत अच्छा बोल रहा, बहुत अच्छा। Is
दूसरी सफलता मोहम्मद सराज को दिलवा दी। लेकिन जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे हैं, ऐसी कमी उनकी नहीं है महसूस हो रही है, और मोहम्मद सराज टेस्टी बोल रहा है।